गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण यादव, आई एम योर इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास वन. सो रीड रिमेनिंग स्टोरी पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 8, मिट्ठू एंड द येलो मैंगो. ओके, सो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था देर वॉज अ पैरट, हिज नेम वॉज मिट्ठू. एक बार एक तोता था, उस वो ग्रीन कलर का था, उसकी रेड बीक थी, लाल चोंच थी. सो ही लव्स टू फ्लाई. वन डे वॉट हैपन्ड, मिट्ठू वॉज फ्लाइंग इन द स्काई एंड ही लुक्ड डाउन एंड ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री. वह आकाश में उड़ रहा था तो तब भी उसने नीचे देखा कि एक पेड़ पर बड़ा येलो कलर का मैंगो है. तो तभी वो नीचे आता है उस मैंगो को खाने के लिए. तो तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है. क्या आवाज़ सुनाई देती है? का का. तो वो आवाज़ किसकी होती है? एक काले कौवे की आवाज़ होती है. वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यह मेरा पेड़ है, मैं तुम्हें यह मैंगो खाने नहीं दूंगा, और ये मेरा पेड़ है, मेरे पेड़ से दूर चले जाओ. ठीक है, नाउ टर्न पेज नंबर 46. मिट्ठू वहाँ से चला जाता है. ठीक है, मिट्ठू सा अ रेड बलून, इट वॉज अंडर अ ट्री. तभी मिट्ठू एक रेड बलून देखता है. कैन यू सी इन दिस पिक्चर? पेड़ के नीचे एक रेड बलून देखता है. ही हैड एन आइडिया. तभी उसको एक आइडिया आता है. थॉट एन आइडिया. ही पिक्ड अप द रेड बलून. ही वॉज केयरफुल नोट टू बर्स्ट इट. वो उसको उस रेड बलून को उठाता है और उसको बहुत ही केयरफुल तरीके से कैरी करता है ताकि वो फूट ना जाए. बर्स्ट मीन्स फूटना. ही फ्लू टू द मैंगो ट्री. वह आम के पेड़ के पास उड़ जाता है, आम के पेड़ के पास चला जाता है. द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री. और जो कौवा होता है वो पेड़ के ऊपर बैठा रहता है. कैन यू सी द रेड बलून इन द बीक ऑफ पैरट एंड द क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री. ओके, मिट्ठू वेंट बिहाइंड द ट्री. मिट्ठू पेड़ के पीछे जाता है. ही पिक्ड द बलून विथ हिज रेड बीक. और वह अपनी चोंच से उस बलून को पेक्ड करता है. मीन्स चोंच मारना, उस बलून पे चोंच मारता है. तभी कैसी आवाज़ आती है? पॉप. कैसी आवाज़ आती है? पॉप. द बलून बर्स्ट. द जो बलून होता है वो फूट जाता है. इट मेड अ लाउड नॉइज. और उसकी आवाज़ होती है बहुत तेज़ होती है. उसको पेड़ के नीचे एक बलून मिलता है, उस बलून को वो पेड़ के पीछे ले जाता है जहाँ पे कौवा बैठा हुआ होता है. और तभी वो अपनी बीक से उस बलून को फोड़ देता है. और उसमें से कैसी आवाज़ आती है? पॉप. एज यू कैन सी देयर, बलून फूट गया और कैसी आवाज़ आई है? पॉप. का सेड द क्रो. कौवा चिल्लाता है, बोलता है का. एंड ही फेल ऑफ द ट्री. और वो पेड़ से गिर जाता है. का का, ए बिग गन इज आफ्टर मी, सेड द क्रो. कौवा कहता है कि कोई मेरे पीछे एक गन है, किसी ने मुझे शूट किया है. कौवा बोलता है. ही फ्लू अवे. वह वहाँ से उड़ के चला जाता है. ही नेवर कम बैक टू द ट्री. और वह कभी भी उस पेड़ के पास नहीं आता है. जब वो रेड बलून फूटता है तो बहुत डर जाता है. उसको लगा कि किसी ने गन शूट किया, उसके पीछे कोई गन है. और वह वहाँ से चला जाता है और वह कभी उस पेड़ के पास नहीं आता. देखा पैरट ने क्या आइडिया लगाया है. मिट्ठू केम टू द ट्री. ही एट द बिग येलो मैंगो. मिट्ठू पेड़ के पास आता है और उस मैंगो को, उस स्वीट मैंगो को खाता है. और क्या बोलता है? यम्मी यम्मी. जब हमें कोई डिश अच्छी लगती है तो हम क्या बोलते हैं? यम्मी मीन्स वेरी टेस्टी. व्हाट अ नाइस मैंगो ही सेड. बोले वाओ कितना अच्छा मैंगो है ये, कितना स्वीट मैंगो है ये. ही वॉज वेरी हैप्पी. क्लेवर मिट्ठू. और वो बहुत खुश हो जाता है.
क्लेवर मिट्टू मीन्स बहुत ही तेज दिमाग वाला मिट्टू. डिड यू लाइक दिस स्टोरी चिल्ड्रन? यस. नाउ वी विल नो द मोरल ऑफ द स्टोरी. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नॉट बी सेल्फिश, वी शुड बी क्लेवर. हमें सेल्फिश सेल्फिश कौन था? कौवा था. कौवा क्या बोल रहा था कि डोंट कम नियर द ट्री, या मेरा पेड़ है, दिस इज माई ट्री, गो अवे. उसको वहाँ पे आने नहीं दे रहा था. तो तभी क्लेवर मिट्टू ने आइडिया सोचा और उसको एक रेड बलून भी मिला वहाँ पे, और वो रेड बलून को लेके जाता है और उसको डराता है. जैसे उसको फोड़ता है, वो बहुत तेज से आवाज़ करता है, तो कौवा डर जाता है कि किसी ने गन शूट किया और वहाँ से चला जाता है. तो लगाया ना मिट्टू ने दिमाग, ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो चिल्ड्रन प्लीज रीड दिस स्टोरी, ओके. नाउ कम टू न्यू वर्ड्स. ब्लैक, BLACK, ब्लैक. ब्लैक मीन्स, ब्लैक क्या होता है? द कलर ऑफ द एंड द कलर ऑफ द क्रो. और जो नाइट होती है उसमें भी कैसा कलर होता है? ब्लैक. क्रो, CROW, क्रो. क्रो ए ब्लैक एनिमल बर्ड, ए ब्लैक कलर्ड बर्ड जो कि ब्लैक होता है, दिस इज क्रो. मैंगो, MANGO, मैंगो, अ स्वीट फ्रूट दैट इज येलो इन कलर एंड वी ईट इट इन समर डेज. पैरट, PARROT, पैरट. पैरट अ ग्रीन कलर्ड बर्ड विथ अ रेड बिग. पैरट का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है ना, और उसकी लाल चोंच होती है, ओके. सो दिस इज योर स्टोरी चिल्ड्रन. आई होप यू लव दिस स्टोरी, ओके. यू विल लव दिस स्टोरी. प्लीज रीड इट, ओके. एंड प्लीज लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. आई विल सेंड यू PDF, ओके. नाउ आई विल सॉल्व अ क्वेश्चन. मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू द ट्रीज दे ग्रो ऑन. हेयर इज बनाना, कोकोनट, एप्पल, ग्रेप्स. मैं ये यहाँ पे इनके ट्री हैं. अब बताना है कि कौन सा फ्रूट कौन से ट्री पे लगेगा, ओके. ये क्या है? इनमें से बताओ बनाना का कौन सा ट्री है चिल्ड्रन? यस, दिस वन इज बनाना ट्री. कोकोनट, कोकोनट तो बहुत हाई होता है ना. यस, दिस इज कोकोनट ट्री. एप्पल, दिस इज एप्पल ट्री. ग्रेप्स, दिस इज ग्रेप वाइन. मैंगो, इट इज अ मैंगो ट्री, ओके. एंड प्लीज डू दिस एक्टिविटी एट योर होम चिल्ड्रन. प्लीज कलर दिस पैरट, ओके, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. थैंक यू. हैव अ गुड डे.